कल तो ये मान लो हालत ही खराब हो गई, समझ नहीं आया एकदम से हुआ क्या। सो ये चेक करें आप, ये मैंने जिम के बाहर एक घंटे सोया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज है फ्राइडे जब अपना ब्लॉग शूट हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं जिम। सवा छह बज चुके हैं। आजकल ना कार से ज्यादा काम चल रहा है, जब से अपनी कार आई है ना ठीक होके, जब से कार ही चला रहा हूँ। बाइक आराम कर रही है, जिम में खड़ी हुई है। अभी संडे को एक्सचेंज करेंगे, मतलब कार को घर छोड़ देंगे और साहिल वाहल के साथ ना अपनी बाइक को ना जिम से लेके आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल चलते हैं फटाफट से जिम। आजकल ना आवाज़ ख़राब हो जा रही है डेली का डेली, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और जब भी मौसम चेंज होता है ना तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। तो फाइनली ये रोड काफ़ी टाइम के बाद बन गई है, काफ़ी टाइम से टूटी हुई पड़ी हुई थी तो, लेकिन इसके चक्कर में ना बहुत राउंड लगा के जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा, केवल 100 मीटर का एरिया ठीक हुआ होगा बस। अब इसके चक्कर में लगभग 3 किलोमीटर मुझे घूम के जाना पड़ेगा प्रेमनगर। अब चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन की समस्या है, फाइनली रोड तो ठीक हो गई है। इस रोड ने ना पूरा 1.5 साल निकाल दिया ऐसे खराब पड़े हुए। 3 hours later. So guys, बस अभी अभी अपना कार्डियो फिनिश हुआ है, पसीना भी नहीं सूखा। उससे पहले मोटो जी पहुंच गई साहिल बॉस के साथ जिम चैंप को लेके। तो अभी इनका एग्जाम है तो जा रहे हैं मेहू वाला एग्जाम देने के लिए, मतलब एग्जाम मोटो जी को देना है, मैं बस लेके जा रहा हूँ फटाफट से। और हमारे बाबू जी की है तबीयत खराब कल से, तो बहुत ज्यादा शांत पड़े हुए। चैंप 700 रुपये दो चैंप बिच्चू, बहुत शांत है भाई, लौंडा परेशान है। गाइस मोटो जी चले गई हैं एग्जाम देने के लिए, पीछे स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पे, और हम और चैंप जा रहे हैं अब घर। चलो बाबू, चलो बहुत शांत है, ऐसे सर्दी जुकाम हो गया। सो गाइस बस अभी अभी शॉप में पहुँचा हूँ। बाबू जी ने रास्ते में ना इतना ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा, 3-4 जगह गाड़ी रोकनी पड़ी मेरे को। तबीयत ठीक नहीं है तो रो रहा है बार बार। अभी मैंने अंडा दे दिया खेलने के लिए, बाकी ये है अपना ब्रेकफास्ट ओट्स और अंडे। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बच्चा, खेलो। तो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मोटो जी को लेने भी जाना है, 12:30 बजे तक एग्जाम है उनका। लो अंडा फोड़ दिया। The next day. Hello guys, तो आज है दूसरा दिन और अपने ब्लॉग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल तो ये मान लो हालत ही खराब हो गई, समझ नहीं आया एकदम से हुआ क्या। कल मोटो जी को एग्जाम दिला के जब वापस आया मैं 2:30 बजे करीब ना, तो मैंने घर गया थोड़ा सा रेस्ट किया, और जब मैं 4 बजे करीब रेडी हुआ ना जिम जाने के लिए तो थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही थी। मैंने कि पता नहीं क्या हुआ, मैंने माइंड नहीं किया, अपनी डाइट वाइट ली और जिम चले गया। और शाम को 7 बजे हल्का हल्का सा ना मुझे फीवर जैसा फील हो रहा था, कि मतलब सर्दी लग रही है बैठे बैठे फालतू में, ठीक है। तब भी मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया, उसके आधे घंटे बाद ना भाई जो हालत खराब हुई, एकदम से सर्दी लगने लगी, हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने कि सेम ज्यादा हो गया काम, सच में मुझे लगा आजकल ना फीवर बहुत ज्यादा चल रहा है, वायरल हो रहा है, सभी लोगों को हो रहा है, तो मैंने कि अपनी भी बैंड बज गई। तो फटाफट से 7 बजे करीब मैं डॉक्टर के पास गया, वहां जाके मैंने दवाई ली, और दवाई लेके मैं तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर जाके रेस्ट कर लूं। मैं कार में ही ना हीटर चला के और जिम के बाहर 1 घंटे सोया, तब थोड़ा सा मुझे आराम मिला। उसके बाद मैं घर चला गया। भाई साहब जाने दो, हमें रोड पर डिस्टर्ब कर रहे हो। और घर जाने के बाद ना मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया, मतलब मन ही नहीं किया कुछ खाने का, और मैं सो गया। एक टाइम मैंने दवा सुबह मॉर्निंग में खा ली थी, और अब जाके थोड़ा सा मुझे आराम मिला है। और अभी 2 बज रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ अपने सप्लीमेंट स्टोर। आज सुबह से ना तो सप्लीमेंट स्टोर गया और ना ही मैं जिम गया, ना मैंने ब्लॉग शूट किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब अपने आप पे पूरा ध्यान दिया कि जल्दी से जल्दी ठीक होना है। तो अभी 2 टाइम की दवा खा ली है, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जा रहा हूँ अपने सप्लीमेंट स्टोर, 2 घंटे बैठेंगे, फिर 4 बजे से जिम चलेंगे। रही बात वर्कआउट की, तो मैंने कल भी नहीं किया था, आज मॉर्निंग में कार्डियो भी नहीं किया। ये सब चीजें तो होती रहेंगी, बट पहले शरीर को ठीक कर लिया जाए, ये बीमारी के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि आजकल बहुत मेहनत चल रही है, बहुत मुश्किल से बॉडी बनाई जा रही है, और अभी बीमारी के चक्कर में फंस गए ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं, अगर शाम तक ठीक लगेगा तो थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लूंगा, वरना 2 दिन प्रॉपर रेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं फटाफट से अपने सप्लीमेंट स्टोर। सो अभी पहुंच चुके हैं अपने सप्लीमेंट स्टोर। आज सुबह से ना शॉप भी नहीं खुली, बंद ही है। A few moments later. जब ही तो मैंने बोला था आपसे, मैंने मैं कॉल कर दूंगा, फिर अभी तुरंत ही आया मैं 5 मिनट पहले। चलो
अभी ना मैंने कुछ मंगाया है, दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मंगाया है। सो ये चेक करें आप, ये मैंने एक ट्रिमर मंगाया है, इसकी कंपनी है VGR। तो ये ट्रिमर मंगाया मैंने हाथ वाथ पे सेव करने के लिए, 1595 MRP पर आया, बहुत सस्ता है, सेल चल रही है, खरीद लो भाई जैसे खरीदना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी अच्छा है तो पैक्ड, बट मैंने किसी और का यूज करके देखा था पहले, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये मंगाया, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे खरीदना है खरीद लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। Get me where I kick it a door, I can't change.